किसान भाई नमस्कार। आज मैं आपको चने की मुरझा रोग के समेकित रोग प्रबंधन के ऊपर मैं बताऊंगा। चने रबी मौसम का एक प्रमुख दलहनी फसल है। इस फसल का उत्पादन कमी होने का कई कारण है, लेकिन उसमें से देखा गया है कि मुरझा रोग के द्वारा इसका काफ़ी नुकसान होता है। अगर किसान भाई समय रहते अगर हम इसका उचित प्रबंधन नहीं करें तो काफ़ी नुकसान होता है। ये रोग फसल के बुआई के समय से लेके फसल के कटाई तक पूरे खेत में दिखता है, और इनका जो फफूंद है नवंबर माह से लेके फरवरी माह तक ज़मीन में काफ़ी सक्रिय रहता है। तो इसी बीच ये चने के पौधे शुरुआती दौर पे मरने लगता है या फल फूल के समय ये मुरझाने जैसा लगता है। तो किसानों को लगता है कि कहीं उसमें पानी की कमी तो नहीं है या कोई कीट उसको नीचे से काट तो नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसमें मुरझा रोग से ग्रसित होने के वजह से आपका चने में फल फूल नहीं आते हैं और समय से पहले पौधे मरने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसका किस तरीके से हम समुचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसान भाई आपको समेकित रोग प्रबंधन के उपाय अपनाने होंगे। इसके लिए जब भी आप चना की बुआई करें, खेत की आप गहरी जुताई करें, खेत की गहरी जुताई के समय आप जो गोबर का प्रयोग करते हैं या कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिश्रित करके आप खेत में डालें, या फिर इसका जो बीज को आप बुआई करेंगे उससे पहले आप बीज उपचारित करके खेत में डालें। इसके अलावे आप खाद की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। ऐसा देखा गया है कि किसान भाई ज़्यादातर नाइट्रोजन जनित खाद का प्रयोग करते हैं, तो आप नाइट्रोजन जनित खाद केवल अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें, नहीं तो इस बीमारी की और तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो किसान भाई जब भी आप इसका प्रबंधन करेंगे तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बीमारी या तो बीज से बढ़ता है या ज़मीन में उसका जो फफूंद है वो बढ़ने लगता है, जिसके वजह से इसको नुकसान करते हैं। तो हमेशा आप प्रयास कीजिए कि आप जो है बीज उपचारित बीज का ही प्रयोग करें और ज़मीन कभी उपचारित करें जिसमें आप ट्राइकोडर्मा ब्रेडी कंपोस्ट या गोबर के साथ मिला के आप इसका प्रयोग करें। और जब पूरे खेत में दिखने लगे तो किसान भाई आप उसमें ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप उसमें स्प्रे कीजिए, या फिर आप रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कार्बनडाजिम या साप नामक जो फफूंदनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। ये देखा गया है कि इस बीमारी जब मौसम उतार चढ़ाव होता है, यानी ज़मीन में जब आर्द्रता अधिक होता है या तापमान जब बढ़ने लगता है उस समय ये काफ़ी नुकसान करता है। तो किसान भाई आप अपने खेत को हमेशा निगरानी में रखें, जैसे ही खेत में इस तरह का लक्षण दिखे मैंने जो दवा बताया समय रहते उसका प्रयोग कीजिए, और इस तरह से आप अपने चने के फसल को मुरझा रोग से बचा सकते हैं। धन्यवाद।